हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। वाह, एकरा खातिर तो एगो सुंदर योजना भी हमरा दिमाग में उभरे लागल। का बंदी गृह के एक दीवार यमुना जी के जल में डूबल बा। अमावस के रात के अंधारा में ओ नदी से होके हम ओ दीवार में छेद कर सकीले, जेकरा में से देवकी और वसुदेव जी के निकाल के नदी के रास्ते बाहर ले जा सकीले। वाह वाह वाह, का योजना बा, काहे अक्रूर जी? योजना तो बड़ा सुंदर बा, बाकी 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 का? बाकी राजकुमार वासुदेव जी हम लोग के बात मान ले तब ना। काहे ना मन है के बंदी ग्रह से मुक्त होकल ना चाही। कोशिश करके देख ला। जरूर काले मित्र सेन के उनका पास ही संदेशा देके भेज दिया जाए। हाँ हाँ मित्र सेन के उनका पास भेजल जाए। हाँ हाँ भेजल जाए, मित्र सेन के उनका पास भेजल जाए। अच्छा बात बा, यदि राजकुमार वसुदेव हम लोग के बात मान लेस तो हमार चिंता दूर हो जाए। स्वामी, कुमार के खाना ले आयल बड़ा? जी स्वामी। ठीक बा, खोल दा। ठहरा, एहर आवा। जी स्वामी। हर दिन जो भोजन लेके आवत रहे वो तो कोई और रहे। जी जी, जी वो सुखुआ। सुखुआ सुखुआ उ कहवा बा? उ का कि उ भांग पी के मदहोश पड़ल बा बाहर। तू के बाड़ा? हम बंदी गृह के रसोईया हैं, यदि उचित समय पर भोजन लेके ना आईब तो महाराज कंस हमके भी प्राण दंड दे दी है। यही से हम स्वयं भोजन लेके आ गए हैं। ठीक बा, जा खोल दा, बंदी के भोजन ले लेबा। लागता भोजन आ गई। भोजन भोजन माई, माई भोजन। हाथ धोली आई। मित्रसेन तू? माई हाथ धोई आई। अक्रूर जी भेज ले हैं। ली ही माई रोटी। का लिखल बा?
महाराज उग्रसेन के बंदी बना के कर्ण स्वयं राजा बन गई बा। सभी यादव वंशन पर मगध के सैनिक बहुत अत्याचार कर रहल बाड़न। सब लोग मथुरा से भाग भाग के दोसर राज में शरण ले रहल बाड़न। आपके पिताजी महाराज सूरसेन और बड़का भैया देवभाग भी अपना महल में नजरबंद बाड़न। उनका के निकल चले के कहले रही, बाकी वो बात ना मनलन। जौन यादव मथुरा में बाड़न उनकर स्त्री बच्चन के हम रातों रात नदी के रास्ता निकाल के सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देले हैं। कंस के पड़ा ऐसे में इतना भारी बा कि सब लोग ओकर अधीनता स्वीकार करे खातिर विवश बाड़न। और अक्रूर जी ई भी लिखले बाड़न कि वो देवी रोहिणी के रातों रात मथुरा से निकाल के गोकुल में बड़का भैया नंदराय के घरे पहुंचा देले बाड़न। ई तो बहुते नेक भइल। दीदी वहां सुरक्षित तो रही है। यदि हम लोगन के भाग्य में हुई तो उनका दर्शन फिर हो जाई।